सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टेनिस राइट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बढ़िया ही होंगे। सो फाइनली आपके लिए ये वीडियो है, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि अभी के टाइम पे जो बारिश हो रही है लगातार, तो उस वजह से बहुत बंदों को ये प्रॉब्लम फेस हो रही है, बिकॉज मुझे भी ये प्रॉब्लम फेस हुई है। जो अपने ड्रम ब्रेक है उसमें पानी जाने की वजह से टायर थोड़ा जाम हो जा रहा है। सेकेंड प्रॉब्लम ये आई थी कि इंजन में भी लोड ज़्यादा पड़ रहा था गाड़ी को आगे पुश करने में। और थर्ड प्रॉब्लम ये थी, जब मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गाड़ी आवाज़ ज़्यादा कर रही थी। तो अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम फेस हो रही है आपको भी, तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है और बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ स्किप मत करना और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आगे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि ये प्रॉब्लम कैसे सही कर सकते हैं आप। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट, मिलते हैं आपको वीडियो में आगे। फाइनली अपने NS में वर्क हो चुका है स्टार्ट। तो सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे अपनी NS का पीछे वाला टायर खुल रहा है। तो जैसे ही अपना पीछे वाला टायर खुलेगा तो उसके बाद आपको बताएंगे कि किस पार्ट के वजह से जो प्रॉब्लम वो आ रही है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो सबसे पहले पीछे वाला टायर खुल जाता है, उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या पार्ट है और क्या आपको उसमें करना है जिस वजह से वो प्रॉब्लम आपकी फेस ना हो। तो अभी वीडियो करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में, तो आगे आपको दिखाते हैं टायर खुलने के बाद कि वो कौन से पार्ट है जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। फाइनली इतनी मेहनत करने के बाद जो अपना ड्रम ब्रेक का पार्ट है जिसमें लगता है ब्रेक शू, तो वो तो अब खुल चुका है। तो उसके खुलने के बाद पता लगा मुझे कि जो अपने पैक वाले ड्रम ब्रेक है वो भी पूरे घिस चुके हैं। तो आपको दिखाता हूँ एक बार, जैसे देख पा रहेंगे आप, तो इसके जो पूरी अंदर से रबड़ आती है वो पूरी घिस चुकी है। पूरा जो लास्ट में नीचे का लोअर जैसा रहता है वो दिख रहा है पूरा साफ। तो अभी इसमें नए वाला लगाना पड़ेगा। और सेकेंड जो प्रॉब्लम थी वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो किस वजह से आ रही थी, जो टाइट हो रहा था टाइट। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, जिस जो अपनी ड्रम ब्रेक की वायर आती है तो वो जहाँ पे जॉइंट होती है तो वो पार्ट जो था अपना वो पूरा जाम हो गया था। तो इस वजह से बाइक को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम हो रही थी, टायर ढंग से आगे जा नहीं पा रहा था, क्योंकि ये बिकॉज़ ये जाम हो रही थी तो ब्रेक भी इसके साथ साथ प्रेस हो रहे थे अपने आप ही। तो अभी तो फाइनली जैसे जैसे करके भाई ने खोला है, तो अभी इसमें थोड़ा बहुत ये ऑयलिंग वगैरह ग्रीसिंग वगैरह करके इसे पूरा फ्री करेंगे, तब उसके बाद इसमें लगा के वापस फिर उसके बाद चेक करते हैं कि इसी से अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि भाई ने तो मुझे यही बोला कि बेसिकली जितनी भी उसके बाद बाइक आ रही है अभी बारिश की वजह से, तो सेम यही प्रॉब्लम आ रही है सारी बाइकों में। तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं अपनी बाइक में भी यही अगर प्रॉब्लम है, तो आपके लिए यही सॉल्यूशन है कि अगर आपके नियर बाय में कोई भी मैकेनिक की शॉप है तो वहाँ पर आप ले जाके अपना टायर खुलवा के ये काम करवा सकते हैं। बाकी जो अपना ये बाइक में काम हो रहा है, इसकी जो कॉस्ट पड़ने वाली है आपको वो 40 से 50 रुपये पड़ने वाली है। इतने में ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अदरवाइज़ अगर आप इस प्रॉब्लम के साथ अगर फेस करते हुए बाइक को चलाएंगे तो आपका ही नुकसान है, क्योंकि दो दिन में जो मेरे को ये प्रॉब्लम फेस हुई है तो इसके वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ है। प्लस जो मेरी बाइक की माइलेज थी वो भी बहुत कम हो गई थी, और प्लस जो बाइक की पावर थी वो भी बहुत कम हो गई थी। तो इस वजह से अपने 40-50 रुपये के चक्कर में मत रहना, बिकॉज़ ये काम अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है तो ज़रूर से करवा लेना। अगर आपको नियर बाई किसी शॉप से नहीं कराना तो आप सर्विस सेंटर से भी करवा सकते हैं, बट ये वहाँ पे थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, काम पर यही होने वाला है। तो आगे आपको दिखाते हैं अभी, और ये प्रॉब्लम होने के बाद उसके बाद आपको बताएंगे कि जो अपने ब्रेक शू भी पड़ा उसका क्या प्राइस पड़ा है। तो वीडियो करते हैं आगे और आपको दिखा। ये हैं अपने NS के लिए नए वाले ब्रेक शू, और यही अपने हम लगाने वाले उसमें। तो जो पुराने वाले हैं वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं, तो आपको पता लग जाएगा कि मैंने वो पुराने वाले कितने ज़्यादा घिस चुके थे, और जो नए वाले हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे। और ये पुराने वाले हैं, इसके साइड देख लो और प्लस पुराने वाले की साइड देख पा रहे होंगे आप, दोनों में पता लग जाएगा आपको कितने ज़्यादा घिस चुके थे। तो फाइनली अभी तो हम नए वाले ये लगवाने वाले हैं इसमें, उसके बाद चेक करते हैं अपनी NS में। जो प्रॉब्लम थी वो तो हो चुकी है पूरी सॉल्व, क्योंकि भाई ने वो काम कर दिया। और देख पा रहे होंगे आप, काम करते करते बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, तो इस वजह से आपको पूरे दिख नहीं होगा। तो अभी भाई टायर में प्रेशर मार रहा है, बिकॉज जो साइड में ड्रम ब्रेक में जहाँ शू लगते हैं हमारे, तो वहाँ पर थोड़ी बारिश की वजह से धूल वगैरह भी जम गई थी, तो वो प्रेशर से भी साफ कर रहा है भाई। तो आपको एक बार दिखाते हैं क्लियर करके, देखो देख पा रहे होंगे आप साइड में, प्लस आप देख पा रहे होंगे पानी की वजह से जंग भी लग चुका है। तो ये चीज़ के लिए भी हम इसमें WD-40 मार लेते हैं, क्योंकि WD-40 से ये बेनिफिट होता है जो रस्ट है वो भी क्लियर हो जाएगी। तो अभी आगे इसमें मारते हैं, वो आपको दिखाते हैं।
अभी आप देख पा रहे होंगे इसमें जो रस्ट लगी हुई है साइड से, पूरा जो जंग खा रहा है, तो इन साइड में आप मारने वाले WD-40। और उसके बाद आप चेक करना कि कैसे उसमें आपको डिफरेंस पता लगेगा, कि अगर आपकी बाइक में भी हो रहा हो तो जहाँ जहाँ पे आप WD-40 रख लेना। अगर आपको चैन क्लीन करनी हो, चैन ल्यूब करनी हो, तो वो भी आप इससे ही कर सकते हैं। तो ये एक ही चीज़ में आपको तीनों वर्क कर सकता है, आपकी चैन भी क्लीन हो जाएगी, चैन ल्यूब भी कर सकते हो, प्लस जहाँ जहाँ पे आपको जंग लगा हुआ दिखेगा अपनी बाइक में तो वो भी आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कितना ज़्यादा जो मैंने मारा था वो ही पूरा ब्लैक हो चुका है WD-40 का। तो अभी इसे पूरा घुमा के एक बार मिक्स करवा देते हैं, उसके बाद इसमें हम कपड़ा मारेंगे, वो आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखा देते हैं फटाफट। लास्ट में जो उसका काम हो जाएगा तो आपको लास्ट में दिखाते हैं डायरेक्ट। फाइनली ये वाला काम तो अपना हो चुका है कंप्लीट, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे पूरा क्लियर हो चुका है। तो फटाफट अब करवा लेते हैं टायर को फिट, क्योंकि बिकॉज टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, रात हो चुकी है, तो फटाफट टायर फिट करवाते हैं। फाइनली अपना बाइक का काम तो हो चुका है, तो नाइट को इस वजह से बता नहीं पाए क्योंकि अंधेरा ज़्यादा हो गया था, तो अभी आपको बता देते हैं प्रॉपर। फर्स्ट जो अपनी प्रॉब्लम थी, जो गाड़ी को पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करनी पड़ रही थी टायर घुमाने में, तो वो प्रॉब्लम अपनी सॉल्व हो चुकी है। सेकंड, जो आवाज़ कर रही थी गाड़ी वो भी अब नहीं हो रही कर रही है। और तीसरी प्रॉब्लम जो थी अपनी माइलेज की, वो तो अब डेफिनेटली वापस उसी में आ चुकी है प्रॉपर, क्योंकि जो पावर प्रोड्यूस ज़्यादा हो रही थी वो अब नहीं हो रही है। तो अब पूरा अपना काम हो चुका है, वो प्रॉब्लम हो चुकी है पूरी सॉल्व। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो डेफिनेटली आप ये काम करवा सकते हैं, बिकॉज 40-50 रुपए में कुछ नहीं जाता है। अगर आप सर्विस सेंटर से करवाना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप करवा सकते हैं, बिकॉज ज़्यादा खर्चा लेंगे वो, बट अगर आपको नियर बाय से कराना है तो यही वर्क होने वाला है, 40-50 रुपए में आपका ये वर्क हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर से बताना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर लेना, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना। और मिलते हैं आपको ऐसी किसी नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय।